गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। फंडामेंटल यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अगर हम इसके डिस्कवरी की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1950s के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था, उसके बाद ही इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से इसको देखा गया था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था वो देखा गया था। अब इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसमें पोस्टुलेट दिए गए थे, जैसे ओवरटन मॉडल दिया गया था, और रॉबर्टसन मॉडल दिया गया था, डैनियल एंड डेवसन मॉडल दिया गया था। तो बहुत सारे मॉडल दिए गए थे और टोटल 6 मॉडल्स दिए गए थे, जिसको हम पोस्टुलेट भी कहते हैं। और जो 6th मॉडल था, 6th पोस्टुलेट था, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, वही क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, तो ये बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। ठीक है, तो सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में, ठीक है, 1972 में 6 पोस्टुलेट दिया था। और 6 पोस्टुलेट में ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है किससे? लिपिड की बाइलेयर से। किससे बना होगा? लिपिड की बाइलेयर से। ठीक है, बाइलेयर से मतलब लिपिड की दो लेयर होती है। ठीक है, प्लस इसमें क्या होते हैं? एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बाकी जो पोस्टुलेट दिया गया था उसमें ये कहा गया था, किसी ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी ने कहा कि लिपिड की सिंगल लेयर होती है, किसी ने कहा प्रोटीन की लेयर होती है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना पोस्टुलेट दिया, लेकिन सही किसका माना जाता है? सही माना जाता है सिंगर एंड निकोलसन का। ठीक है, तो आइए हम स्ट्रक्चर से इसका हम पूरा एक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये देखिए, हेड पोर्शन ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, और नीचे इस तरह से टेल लटकती हुई आपको नज़र आएगी, और बीच बीच में जैसा कि मैंने कहा कि प्रोटीन क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये देखिए, ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये एम्बेडेड प्रोटीन दिखाया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखें ये क्या है, लिपिड की कितनी लेयर है? दो लेयर। तो इसको क्या बोलेंगे? लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। ठीक है, लिपिड बाई लेयर। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोटीन एम्बेडेड है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रोटीन दो तरह की होती है, प्रोटीन टू टाइप्स की होती है यहाँ पे। एक होता है जिसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा जो प्रोटीन इसमें पाया जाता है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल और पेरिफेरल क्या है? यहाँ पे देखिए, इन का मतलब क्या होता है? इनसाइड। जो प्रोटीन क्या होते हैं? अंदर की तरफ बिल्कुल एम्बेडेड होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। और यहाँ पे पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल का मतलब ही होता है सरफेस पे या फिर साइड में। तो देखिए, दो प्रोटीन ऐसे हैं जो कि साइड में दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसको नाम दे देंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये दोनों क्या हैं, जो साइड वाले हैं, ये क्या है, कौन से प्रोटीन कहलाएंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। और यहाँ पे देखिए, जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है वो क्या कहलाएगा आपका? इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहलाएगा? इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगा। समझ में आया? अब देखिए, लिपिड जो होता है इसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इस लिपिड से क्या होता है? फॉस्फेट अटैच हो जाता है, जो कि क्या कहलाता है? फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। ठीक है, कुछ क्या होते हैं यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखिए, बाई लिपिड की बाई लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो लिपिड की इसमें दो लेयर होती है, बीच बीच में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। कौन सा प्रोटीन?
दो तरह का प्रोटीन, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल जैसा कि बताया मैंने साइड में प्रेजेंट होता है, और इंटीग्रल क्या होता है, बिल्कुल अंदर की तरफ एम्बेडेड होगा। समझ में आ गया, ये चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी आपने देखा यहाँ पे ये टेल पोर्शन है और यहाँ पे हेड रीजन है ना, इसमें ये टेल और हेड रीजन आपको दिख रहा है। तो ये जो हेड वाला पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं पोलर रीजन, पोलर रीजन, पोलर रीजन। और ये जो टेल वाला पोर्शन है इसको हम कहेंगे नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर रीजन, ठीक है। एक और नाम दिया जाता है जो कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है, पोलर रीजन, क्योंकि क्या होता है, ये वाटर के टच में होगा, वाटर कह सकते हैं, लिक्विड के टच में होता है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पे वाटर, और फिलिक का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे लविंग, ठीक है, वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग इन द सेंस कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम सेल देखें यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, एक सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इतना पार्ट हमने क्या किया, कट करके जब दिखाया है, तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, हेड वाला जो रीजन है वो क्या है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के टच में है, और ये बाहर की तरफ ECM मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के टच में है। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, लिक्विड है, तो दोनों तरफ क्या है, ये लिक्विड के टच में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे। और ये टेल वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाटर के टच में नहीं होता है, लिक्विड के टच में नहीं होता है, इसलिए हम इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे देखिए हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, अगेन वाटर, और फोबिक टर्म डेराइव फ्रॉम फोबिया विच मीन्स क्या होता है यहाँ पे, फियर, ठीक है, फियर मतलब कि इसको कहीं ना कहीं वाटर से डर लग रहा है ना, वाटर से डर लग रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक नाम दिया गया। कहने का मतलब है, सिंपली आप कह सकते हैं, साइंस की भाषा में कहें कि ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इसको नाम दिया गया। क्लियर हो गई चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन की बात करें अगर, ठीक है, तो फंक्शन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन करता है किसका, अंदर वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं, अंदर के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे साइटोप्लाज्म कह लीजिए, सेल ऑर्गेनल कह लीजिए, तो सेल के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं उसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो पहला फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन करना, है ना, पहला फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, लेकिन सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से जितनी भी चीज़ें बाहर हैं, ठीक है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देगा और अंदर से बाहर जाने देगा थ्रू द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कहते हैं इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज़ अ सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली परमिएबल, सॉरी, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको क्यों कहा गया। यहाँ पे देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब, यहाँ परमिएबल का मतलब है परमिशन या फिर परमिट करना, ठीक है, मतलब कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये परमिशन देता है, परमिट करता है, ताकि ये मेम्ब्रेन के अंदर आए और अंदर से क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में दो तरह के मूवमेंट होते हैं इसमें, ठीक है, एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ ATP होगा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और इसी ट्रांसपोर्टेशन में, जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें जैसे एग्जांपल है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप अभी आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हायर क्लास में आफ्टर ट्वेल्थ क्या करेंगे, पूरा इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका फंक्शन हो गया, ठीक। और एक चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो यहाँ पर देखें, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, मैंने सेल मेम्ब्रेन हटा दिया, यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा। अभी हम सेल ऑर्गेनल यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अभी देखिए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, अभी सेल ऑर्गेनल भी मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, नहीं बनाया,
तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू ये बनाता है या फिर कहलाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जीव द्रव। ठीक है, जीव द्रव। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला क्या आ जाता है, एक मेम्ब्रेन आ जाता है। इसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है आपका बेटा, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्लियर हो गई चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईयर्स है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि 1950s एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन में ही इस टॉपिक में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद इसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि 3D मॉडल इसका दिया गया और ये फ्लूड मोजैक मॉडल भी कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, फ्लूड मोजैक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूड मोजैक मॉडल, फ्लूड मोजैक मोजैक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, फ्लूड मोजैक मॉडल भी कहते हैं। ये याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिंगर एंड निकोलसन जो थे, इन्होंने क्या किया था 1972 में इसका सही पोस्टुलेट, सही मॉडल दिया था। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, खूब पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए।